जी सर, ठीक तो है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? Everything is all right. Nothing is all right. इतनी रात हो गई है, अभी तक जाग रही है और रो भी रही है। कोई ना कोई बात है मम्मी, मुझे बताएं क्या हुआ? कुछ नहीं, ना स्टडी करो, तुम हमारा फिक्र मत करो। मम्मी मैं आपका बेटा हूँ और अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो आप किसको बताएंगे? चलिए बताएं क्या हुआ। उनको मेरी ने बोला कि माइकल को नहीं बताना, माइकल को स्टडी करने देना, तुम अपना स्टडीज पे कंसंट्रेट करो, अपना काम करो, ऑल विल बी ऑल राइट। मम्मी मैंने आपकी आंखों में आंसू देखे, मैं आपको ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकती ना। माइकल सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस? यस। कल आप मुझसे पूछ रही थी कि मीडिया में मैं किसी शख्स को जानता हूँ या नहीं, काम था आपको कोई? शायद मैंने आपसे कुछ शेयर किया था। हाँ बट ऑफ कोर्स डिटेल नहीं बताई थी आपने, कोई लैंड माफिया का मसला था। जी हाँ, उन लोगों के हिसाब से हमने एक कीमती लोकेशन पर कब्जा किया, वो भी गुज़श्ता 118 साल से। बहुत ही गलत हिसाब है उनका, पर आप फिक्र मत कीजिए, उनका हिसाब किताब ठीक कर देंगे। वैसे आप क्या कर सकते हैं? जुल्म का अंधेरा मिटाने के लिए अपने हिस्से का एक चिराग तो जला ही सकता हूँ। नहीं बेइज्जती कम से कम मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। और यार तुम तो ऐसे शो कर रहे थे जैसे हम वहाँ जाएंगे, सारे मसले तय हो चुके हैं ऑलरेडी और बस बात पक्की हो जाएगी। बाबा आप भूल रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि वो शादी से इनकार कर चुकी है, तभी आपने मुझे तसल्ली दी थी कि आप उसके घर जाके इनकार की वजह पूछेंगे और उसे समझाएंगे। अच्छा जब सारे फैसले तुम ही को करने हैं तो फिर हमारी क्या जरूरत है? तुम्हारी जिद की वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मजबूर होकर मैं उनके घर चली गई रिश्ता लेकर, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, उनके तो मिजाज ही नहीं मिलते। मुझे पता था कि मरियम इनकार कर देगी, लेकिन मैंने सोचा कि आप और पापा जाएंगे तो मरियम को मना लेंगे। तुम्हें सबकी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे फैसले हैं और हम ही को करने दो। उसने कोई गुंजाइश रखी होती बात करने की तो हम बात करते हैं, उसने तो साफ इनकार करके सारे रास्ते बंद कर दिए। पापा मैं आपको बताती हूँ कि उसकी क्या मजबूरियाँ हैं, अब वो किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। अच्छा तो तुम्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन सुफियान को बताना उसने गवारा नहीं समझा। अरे पहले लड़के को अपने चुंगल में फंसाया, उसके बाद हम लोगों को घर बुला के जलील कर दिया। तुम जानती हो अगर ये सारी बातें तुम्हारी दादों को पता चली तो कयामत आ जाएगी, कयामत। देखो मैं बात सारी सिर्फ कमिटमेंट की होती है, बाकी सारी मजबूरियां जो है सब ढकोसले होते हैं। बाबा आप भी, बाबा